यात्रा आज रीवा शहर से होती हुई सतना की सीमा में प्रवेश कर रही। इस दौरान हमारी टीम ने यात्रियों से बात की जब वह दोपहर को खाने के लिए रुके हुए थे। भारत जोड़ो यात्रा की उप यात्रा रीवा शहर से निकलती हुई सतना की सीमा पर पहुंची, जहां पर सतना के यात्रियों ने भारत का संविधान और भारत का झंडा अपने हाथों में थामा और आगे बढ़ लिए। यही सिलसिला चलता रहेगा राहुल की यात्रा तक पहुंचने के लिए। मध्य प्रदेश के जिले धार जिले में हमने कुछ लोगों से बात की, तब महसूस हुआ कि रीवा शहर के कांग्रेसी काफी उत्साह में। सबसे बड़ी बात, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट नजर आ रही थी। यात्रा के दौरान हमने पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह, यात्रा समन्वयक कविता पांडे, त्योंथर के पूर्व प्रत्याशी रमाशंकर सहित शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्ष से बात की। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंदमणि से भी बात की हमने। आइए आपको सुनाते हैं इन सब का क्या कुछ कहना है इस यात्रा को लेकर। ये सीधी से परसों यात्रा 4 बजे मिली है। हम लोगों ने इस यात्रा को गुड़ में ले आकर के समाप्त किया और वहाँ से गुड़ से शुरू होकर के चिरहुला पहुँची। आज चिरहुला से ये यात्रा पहुँच चुकी है आपके इस चौराहा में। अभी 1 घंटे में हम लोग जो है तो सतना को समर्पित करने जा रहे हैं। अब बड़े उत्साह के साथ रीवा जिले के कोने कोने से कांग्रेस जन, आम जन एवं हमारे नौजवान साथी, महिला बुजुर्ग सभी ने इस यात्रा में काफ़ी सहयोग किया, इस यात्रा से प्रभावित हुए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने हिंदुस्तान के नेता राहुल गांधी जी को, जिन्होंने 3500 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक का जो दूसरी आज़ादी की लड़ाई का संकल्प लिया। निश्चित रूप से उनका मिशन बहुत जल्द भारत की जनता के बीच पहुंच रहा है और बहुत अच्छे से पहुंच रहा है। जनता जागरूक हो चुकी है और हिंदुस्तान आज़ाद होकर के रहेगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राहुल गांधी की यात्रा का हम स्वागत करते हुए अपने मंगलम मैरिज गार्डन में इन सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत कर रहे हैं और इनके भोजन की व्यवस्था के लिए इनको रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये जितना हो सकता है अपने गुड़हर गांव का है, अपने गांव का है, इसलिए हम लोग पूरी तरह इनके स्वागत में तल्लीन हैं। बस आई बहुत अच्छा माहौल है, जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है जिसके तहत राहुल गांधी जी यात्रा लेकर चल रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एक मेन मुद्दा है। आपसी भाईचारा, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो का जो लोगों का नारा है, उसको लेके हम चल रहे हैं। हम भदवार से लेकर, भदवार का है जो आपने कहा सौर ऊर्जा का जो केंद्र है, टनल जहाँ से, वहाँ से रेगुलर हमारे पदयात्री साथी चल रहे हैं। शाम के लगातार 8-20 किलोमीटर और जनता रास्ते में मिल रही, फूल बरसा रही पदयात्रियों के ऊपर, उनका स्वागत कर रही फूल माले से, तो इससे बढ़िया रिस्पांस क्या हो सकता है कांग्रेस का। जोड़ो यात्रा 3 तारीख से सिकरौली से निकली, 3-4 पार सीधी होते हुए रीवा आई है। पिछले 3 दिन से हम लोग सोलर पावर प्लांट से किमार सतना बॉर्डर तक चलने के लिए निकले हुए हैं। लगभग 60 किलोमीटर की यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। 21 नवंबर को मध्य प्रदेश में यात्रा प्रवेश करने जा रहे हैं। ये जो हमारी छोटी हुई उप यात्रा है, राष्ट्रीय ध्वज और हमारे भारत का संविधान, हमारे नेता अमरनाथ जी रहेंगे। और आज आप देख रहे होंगे लाखों लाख कार्यकर्ता दिन दिन से रीवा के सड़कों में हैं और भारत माता की जय और वंदे मातरम कहता है। हमारे नेता राहुल गांधी प्रतिदिन 25 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा कर रहे हैं। हम लोग भी छोटा छोटा सा बांध का एरिया है, कोशिश कर रहे हैं कि ना ज़्यादा से ही तो हम 60 से 70 किलोमीटर ही चलकर, ताकि हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश की है वह संस्कृति कायम रहे। ईर्ष्या द्वेष नफरत का जो वातावरण हमारे देश में बनाने की कोशिश दूसरी पार्टी द्वारा की जा रही है वह खत्म हो और एक बने नेक बने और उठे कदम जुड़े वतन का नारा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ हम सब अब सड़क पर निकलेंगे हैं। और आज सतना बॉर्डर तक हमारे हजारों का काफिला सतना बॉर्डर में सतना का कांग्रेस के साथियों को हमारे झंडा और संविधान भारत माता की, भारत माता की, नफरत